हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हरियाणा में जेबीटी या जिसको कि डीएड या डीएलएड भी बोलते हैं, उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। जेबीटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो 2 अगस्त से स्टार्ट थे और ये 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन हुए थे। इसके बाद अभी 17 अगस्त को इसकी फर्स्ट लिस्ट आउट होनी थी, लेकिन जो लिस्ट है वो अभी 19 अगस्त तक भी नहीं आई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वो स्टूडेंट्स टेंशन में हैं कि उनका एडमिशन है वो होगा या नहीं होगा। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ कि इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जो डेट है हरियाणा बोर्ड ने मेंशन की थी उस डेट को लिस्ट नहीं आई थी और 1-2 दिन बाद लिस्ट है वो आ गई थी। तो ऐसे ही हो सकता है कि इस बार भी 1-2 दिन बाद लिस्ट आ जाए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे ही लिस्ट आ जाती है आपको डीएड हरियाणा वेबसाइट को ओपन करना है, उसमें अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। फिर जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है वहाँ पर अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है और फीस है वो लेकर जानी है, उससे आपका जो एडमिशन है वहाँ हो जाएगा। आपने जो भी फ़ोन नंबर अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय भरा था फॉर्म में, तो उस नंबर पर जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो कॉल भी करते हैं कि उनके पास लिस्ट आ जाती है कि उनके कॉलेज में कौन कौन से स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है, तो वो जो भी फ़ोन नंबर दिया गया होता है उस फ़ोन नंबर के ऊपर फ़ोन करते हैं कि आपका हमारे कॉलेज की लिस्ट में नाम आया हुआ है तो आप आकर एडमिशन ले लीजिए। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और जैसे ही लिस्ट आती है अपना एडमिशन आपका वो हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।